नेक्स्ट डी पार्ट में अगेन दे हैव गिवन रुपीज 8,000 फॉर 1 ईयर एट 9% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली. वर्ड कंपाउंडेड हाफ ईयरली पे देना. ओके, तो फॉर्मूले में हमेशा चेंज होगा कंपाउंडेड हाफ ईयरली. तो प्रिंसिपल लिख दिया, टाइम लिख दिया, रेट लिख दिया, फॉर्मूला कंपाउंडेड हाफ ईयरली वाला आएगा. तो पी ब्रैकेट में 1 + r के अपॉन में 200 ब्रैकेट क्लोज 2n. ओके, अब वैल्यू पुट कर देंगे तो 8,001 प्लस रेट तो 9 है, तो 9 अपॉन 200 और यहाँ पे 2 फॉर्मूले का n मतलब 1 ईयर है, 1 आ रहा है, मतलब 2 × 1 इट विल बी 2 ओनली. यहाँ पे आप एलसीएम ले लेंगे, 200 इधर चला जाएगा तो 200 प्लस 9 सो इट विल कम एज 209 और ऊपर 2 है, दैट मीन्स 2 टाइम्स आप लिखेंगे तो रुपीज 8,000 इंटू 209 इंटू 209 अपॉन में 200 है. यू कैन ईजली कैंसिल, जैसे ये 20 से ये 20 कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 1 सा तो ये आ जाएगा आपका 40. सेम वे ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको 2 से काट लीजिए 10 और ये आ गया आपका 2. नाउ मल्टीप्लाई ऑल इन न्यूमरेटर और डेसिमल पॉइंट लगा दीजिए अकॉर्डिंगली, तो यू विल गेट दी आंसर. जब हम वी विल गेट द आंसर, ये जो आया है ये हमारा है अमाउंट, और जब हमारा एक बार अमाउंट आ गया तो देन वी विल यूज द फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट. तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला वी विल अप्लाई, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. एंड यहाँ पे हमने वैल्यू रख दी है, जो भी हमारा अमाउंट आया था 8,736.20 पैसा माइनस 8,000, ये हमारा प्रिंसिपल है, सेपरेट करके आंसर आया रुपीज 736 रुपीज और 20 पैसा. तो 10 करके लास्ट स्टेटमेंट प्रॉपरली विद प्रॉपर यूनिट यू आर गोइंग टू राइट. क्लियर? आई होप कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर नाउ.